आज का प्रेरक प्रसंग है सरल मार्ग। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें उतार भी है, चढ़ाव भी, कांटे भी है, फूल भी, सुख भी है, दुख भी। अतः जीवन में आने वाली कठिनाइयों से न तो घबराना चाहिए और न ही उनसे बचकर कहीं अन्यत्र भाग जाने का विचार ही करना चाहिए। कठिनाइयों का तो सामना ही करना चाहिए तथा उन पर विजय प्राप्त की जानी चाहिए। गौतम बुद्ध एक ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करके तपस्या की, ज्ञान प्राप्ति की तथा अपने शिष्यों को भी यही उपदेश दिया कि वे अपनी सहन शक्ति को बढ़ाए। कौशाम्बी की महारानी जाने क्यों गौतम बुद्ध से द्वेष करती थी। बुद्ध को लोग महापुरुष माने यह बात उसे बहुत चुभती थी। एक बार उसने बुद्ध को कौशाम्बी आने का संदेश भिजवाया और मन में सोचा कि जब वे यहाँ आएंगे तो उन्हें खूब परेशान कराऊंगी। बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया तथा वे अपने शिष्यों सहित कौशाम्बी आए। अब महारानी ने अपने सिखाए पढ़ाए अनुचरों द्वारा बुद्ध को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। जहाँ जहाँ वे आते जाते अथवा उपदेश देते वहीं वहीं वे लोग भी पहुँच जाते और अनेक प्रकार से बुद्ध के कार्य में बाधाएँ खड़ी करते। बुद्ध तो शांत बने रहे किंतु उनके शिष्य इतने सहनशील नहीं बन पाए थे। वे हैरान हो गए, बुद्ध से कहने लगे, भंते, इन लोगों ने तो बहुत परेशान कर रखा है, सहन नहीं होता, कहीं अन्यत्र चले चलिए। बुद्ध ने कहा, यदि ये लोग वहाँ भी आ गए तो हम लोग और कहीं चले जाएंगे, और यदि वे लोग वहाँ भी आ गए तो, भंते, तो हम अन्यत्र कहीं चले जाएंगे, यदि वे वहाँ भी आ गए तो। बुद्ध ने फिर पूछा और समझाया, देखो, बाधाओं और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कतराना नहीं चाहिए, वे तो सभी जगह आ सकती है। अतः सही मार्ग तो यह है कि अपनी सहन शक्ति को ही बढ़ाना चाहिए, उससे जीवन का मार्ग सरल बन जाता है। शिष्यगण इस कथन पर विचार करने लगे, हम भी विचार करें तो जीवन में भला निश्चित है। आज का प्रेरक प्रसंग इतना ही। बने रहे मेरे साथ, शीघ्र मुलाकात होगी एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ।